गीता के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो मन में ये प्रश्न तो जरूर उठता है कि गीता क्यों सुनाई गई? गीता केवल एक व्यक्ति के समाधान के लिए सुनाई गई? मन ये मानने को तैयार नहीं होता है। गीता स्वयं भगवान की गाई हुई सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए सर्वकालिक सत्य है और जीवन के लिए एक मार्गदर्शनीय अनुपम ज्ञान निधि है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के बीच में लाई गई और ऐसे कहते हैं कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए तैयार करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता सुनाई गई। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हर मानव हर रोज सुबह से शाम तक आंतरिक युद्ध से ही गुजरता है? मन में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें संघर्ष पैदा हो जाता है, जैसे हमें दिखता है वैसे नहीं होता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता का एक दृश्य बहुत अनुपम है और सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है। जैसे कि जो अर्जुन 13 साल युद्ध की तैयारी में अपना जीवन बिताया और युद्ध के लिए उत्साहित था और युद्ध करने के लिए नए नए अस्त्र शस्त्र भी सीख के आए, इतने तक शास्त्र कहते हैं कि वो इंद्र से भी युद्ध विद्या सीखने के लिए गए थे। फिर जब युद्ध की घड़ी आ पहुंची तो अर्जुन अपने आप से परेशान हो गए, युद्ध करने से मना क्यों कर दिया? ऐसे कहते हुए नयोत्से गोविंदम नयोत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों बैठ गए? क्या कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है? जैसे कि बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, एग्जाम्स के जब समय नजदीक आ जाते हैं तो अपने आप से निरुत्साही हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और मन में डिलेमास हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे तनाव पैदा हो जाता है। आप देखेंगे जब एग्जाम्स के डेट्स नजदीक आ जाते हैं, सभी डॉक्टर्स के पास बच्चे ही पेशेंट्स लाइन में खड़े दिखते हैं। ऐसे क्यों होता है? जब हर किसी को पता है अगले क्लास में जाना है, कक्षा में जाना है, तो पढ़ाई जो पढ़ी है उसकी एग्जाम्स तो देनी ही है, फिर एग्जाम के टाइम पर ऐसे क्यों होता है जैसे अर्जुन को हुआ था? जैसे कि दिखाते हैं, दृष्ट्वैवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परशुष्यति, ऐसे क्यों हो गया? अपनों को देखकर मेरे मुंह सूखा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति क्यों उद्भव हो गई? इसका कारण क्या लगता है आपको? ये श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत वार्तालाप है परमात्मा और मनुष्यात्मा के बीच में। जब मनुष्यात्मा अपने खुले दिल से भगवान के सामने अपनी समस्याएं बताता है तो उन समस्याओं से बाहर निकलने का स्वयं भगवान मार्गदर्शना देते हैं, जिसको ही ज्ञान कहा जाता है। उसी ज्ञान को गीता के रूप में लिखा गया है और यह अद्भुत वार्तालाप परमात्मा और मनुष्यात्माओं के बीच में जो हुआ था और हो रहा है। आपको ये नहीं लगता पहले अध्याय में अर्जुन ये कहते हैं नयोत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जैसे ही 18वें अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी बातों को सुनकर, आपके इन वचनों को सुनकर, महावाक्यों को सुनकर मेरे मोह नष्ट हो गए, मन में जितने भी संदेह थे सारे निवारण हो गए, मैं जिंदगी भर आपकी बातें सुनता रहूंगा। आज 21वीं सदी में भी हम देख रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में काउंसलर्स को अपॉइंट करना कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों के साथ बैठकर बात करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। कई सारी बातों के जरिए ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है जो बहुत बड़े समस्या बन के मानसिक बीमारी के रूप में सामने आ जाता है। इसलिए स्कूल अथॉरिटीज ने या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया हर स्कूल कॉलेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काउंसलर्स को अपॉइंट किया जाए। काउंसलर्स का काम क्या होता है? सामने वाले बच्चे या स्टूडेंट्स से बातों बातों में उनकी समस्या को जान लो
और बातों बातों में समस्या का हल बता दो, जिसे सुनाने वाले को भी कष्ट ना हो, सुनने वाले को भी कष्ट ना हो। ये आज हमको लग रहा है बहुत वंडरफुल मेथड है काउंसलिंग, लेकिन हजारों साल पहले जब भगवान इस धरा पर अवतरित हुए थे और स्वयं गीता ज्ञान सुनाया था, जिसका गायन आज तक चला रहा है, ऐसी घड़ी पुनः आने की इंतजार में हर मानव खड़ा है, क्योंकि हर मनुष्य को अपने दिल के हाल सुनाने के लिए कोई चाहिए। लेकिन दिल के हाल सुनाने के बाद भी अगर गीता ज्ञान का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।